हाय गाइस, आज मैं आपको पेन टूल की मदद से शेप्स बनाना सिखाऊंगा। पेन टूल की मदद से आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। कैसे बनानी है, कैसे नहीं बनानी, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। गाइस, पेन टूल एक बहुत ज़बरदस्त टूल है। इसकी मदद से आप डिफरेंट लोगोस वगैरह बना सकते हैं। ओके, अच्छा गाइस, जैसे कि मैंने सिंपल सा लोगो बनाया हुआ है, नाइट नाइक आपने शूज़ देखे होंगे, उसके ऊपर आपने देखा होगा लोगो बना होता है एक टिक का, राइट का। ओके अच्छा गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मेरी मिल जाए। गाइस, हम अपने वर्क की तरफ चलते हैं। मैं नीट पेज लेता हूँ यहाँ पर, एक ये हमारे पे एक नीट पेज आ गया। अब मैं आपको पेन टूल का बताऊँगा, पेन टूल को कैसे यूज़ करते हैं। चलें हम अपने वर्क की तरफ चलते हैं। ये मैंने यहाँ पर, मैंने देखा आपको नज़र आ रहा है पेन टूल, यहाँ पर मैं अपना एरो लेकर जा रहा हूँ। अगेन ये देखें, पेन टूल की शॉर्टकट की है पी। ओके, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास मज़ीद ऑप्शन आ जाते हैं, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, एंकर पॉइंट टूल। इनके बारे में गाइज मैं आपको अगेन बताऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम जस्ट पेन टूल के बारे में पढ़ेंगे, पेन टूल क्या है एंड पेन टूल कैसे यूज़ करते हैं। ओके चलो, मैं पेन टूल को क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा गाइस, ये हमारे पास एक पेन टूल आ गया। इसे यूज़ कैसे करना है ये मैंने आपको बताना है। अच्छा गाइस, आपने जस्ट पेन टूल की मदद से, अगर आप अपने माउस की मदद से क्लिक करते हैं जस्ट एक मरतबा, ये मैंने जस्ट एक मरतबा क्लिक किया गाइस। ओके, ये मैंने क्लिक करके गाइस एक मरतबा क्लिक करके अपने माउस को रिलीज कर देना, छोड़ देना। देखिए, मैंने माउस छोड़ दिया। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास एक ये लाइन आ रही है, मूव कर सकती है लाइन यहाँ भी, यहाँ जहाँ मर्जी। हमने जस्ट एक एंकर पॉइंट क्लिक किया। ओके, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पर ला कर यहाँ क्लिक कर देता हूँ एक मरतबा जस्ट, एंड माउस को रिलीज़ कर देता हूँ, ये देखिए इस तरीके से आप, एंड यहाँ पर ला कर मैं अगेन क्लिक करता हूँ, मैंने फिर माउस को रिलीज़ कर दिया, एंड यहाँ पर आकर मैं क्लिक कर देता हूँ। इस तरीके से आप शेप्स बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से लाइंस बना सकते हैं, जैसे मर्ज़ी आप चाहें वैसे लाइंस बना सकते हैं। जैसे कि मैं अगेन आपको थोड़ा सा बताता हूँ, आपने जस्ट क्लिक करना है एंड माउस को रिलीज़ कर देना है, एंड मैं अगेन क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर, एंड माउस को रिलीज़ कर दिया मैं यहाँ पर, फिर अगेन क्लिक कर रहा हूँ। इस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप इसलिए जस्ट आपने एक एक मरतबा क्लिक कर रहा हूँ, मैं माउस को रिलीज़ कर देता हूँ, एंड जस्ट आके आपको इन्हें एक मरतबा क्लिक करना है। इस तरीके से आप डिफरेंट, मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ, आप लाइंस बना सकते हैं, जैसे मर्जी आप लाइंस बनाना चाहे बना सकते हैं। ओके, कंट्रोल जेड की मदद से आप बैक जा सकते हैं, कंट्रोल जेड दबा रहा हूँ मैं बैक जा रहा हूँ, अंडू को जा रहा हूँ, अंडू। अच्छा ओके गाइस, ये मैंने आपको बताया, एंड मैं यहाँ पर आपको एक शेप बना के दिखाता हूँ, जैसे ज्योमेट्री में हमारे पास प्रकार्स वगैरह होते हैं, ज्योमेट्री बनाने में आपको एक शेप बना के दिखाता हूँ उसी की। यहाँ पर मैं जस्ट क्लिक किया एंड माउस को रिलीज़ कर दिया, एंड मैं शिफ्ट की मदद से स्ट्रेट लाइन करूँगा। शिफ्ट का बटन दबाने से गाइस स्ट्रेट लाइन हो जाती है हमारी। ओके, एंड ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई, मैं यहाँ पर जस्ट क्लिक करूँगा, एंड यहाँ पर मैं आके क्लिक करना चाहता हूँ, क्लिक किया मैंने, एंड यहाँ पर आके मैंने जस्ट यहाँ पर आकर क्लिक किया जस्ट। ओके, मैंने इस तरह से एक शेप बनाई ज्योमेट्री की। ओके, एंड मैं सिलेक्शन टूल नहीं लूँगा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इसी तरह के स्क्वेयर एक और छोटा सा बन जाए, तो यहाँ पर स्क्वेयर आप बना सकते हैं। अगेन अगेन मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें, इस तरीके से मैंने इसे भी बनाया। ओके, एंड मैं अब सिलेक्शन टूल पर जा रहा हूँ। गाइज, आपने सिलेक्शन टूल लेना है, सिलेक्शन टूल पर मैंने क्लिक किया, एंड इस तरह से हमारे पास शेप बन जाएगी। आप इसे मूव करा के सेट भी कर सकते हैं अगर आप सेट करना चाहे तो, ये देखें इस तरह। ओके अच्छा गाइस, यहाँ पर अगर आप कलर बनना चाहे तो कलर भी फिल कर सकते हैं। मैं जस्ट इस पर गाइस, मैं आपको कलर भरना एंड में सिखाऊंगा। मैं इसे इसके साइज़ को पहले, मैं गाइस इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, सिलेक्ट करूँगा, एंड क्लिक करके शिफ्ट की मदद से आपने साइज़ को छोटा करना है, ताकि परफेक्ट शॉट साइज़ छोटा हो। ये देखिए, मैं बहुत छोटा कर दिया। मैं आपको इसके सारा बताऊंगा कैसे आपने इसमें कलर फिल करना है। ओके, आगे चलते हैं, मैं आपको डिफरेंट शेप्स बनाना सिखाता हूँ। अच्छा, ये तो मैंने आपको सिंपल था पेन टूल का यूज़, अब थोड़ा सा और मज़े का बताता हूँ यूज़ क्या है पेन टूल का। पेन टूल में पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैंने पेन टूल लिया, एंड गाइज यहाँ पर मैं कर्व बनाना चाहता हूँ, क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने जस्ट एक मिनट पर क्लिक किया एंड माउस को रिलीज़ कर दिया, एंड गाइज मैं शिफ्ट का बटन दबा रहा हूँ, शिफ्ट की मदद से मैं स्ट्रेट किया यहाँ पर, एंड गाइज यहाँ पर मैं जस्ट क्लिक करके माउस को रिलीज़ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर क्लिक करके माउस को ड्रैग करूँगा, ताकि मेरे पास एक हैंडल आ जाएगा। देखें, मैंने एक माउस पर से क्लिक किया एंड जस्ट ड्रैग कर रहा हूँ, ये देखें हमारे पास एक हैंडल आ जाएगा। ओके, इस तरह से
मैं कर्व बनाना चाह रहा हूँ। अच्छा गाइज, अगर आप अपने कर्सर को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपकी कर्व ऊपर की तरफ बनेगी, एंड अगर आप अपने कर्सर को ऊपर की तरफ ड्रैग करते हैं तो आपकी कर्व नीचे की तरफ बनेगी, याद रखिएगा। ओके अच्छा गाइज, ये मैं कर्व थोड़ा सेट कर रहा हूँ, कर्व बना रहा हूँ, ये मैंने एक माउस को छोड़ दिया है, तो इस तरीके से हमारी कर्व बन गई है। ओके एंड गाइज, आप जैसे ही आप माउस को छोड़ेंगे तो हमारे पास ये जो पेन टूल से आपको अभी तक लाइन नज़र आ रही है, ये कर्व में ऑटोमेटिक कर्व में रहेगी। ओके तो आप इजीली कर्व बना सकते हैं इस तरीके से। हाँ, ये कर्व जब ख़त्म हो जाएगी, जब हम ये वाला जो हमारे पास हैंडल नज़र आ रहा है आपको, इसे अगर हम ख़त्म कर देंगे ना तो ये कर्व ख़त्म हो जाएगी। अगर आप इसे ख़त्म नहीं करेंगे तो बिल्कुल यही कर्व बिल्कुल सेम एज इट इज़ यहाँ पर बन जाएगी। देखें, आपने जस्ट बनानी है, खुद ही बनेगी डायरेक्ट। ये देखिए, ग्रीन लाइन आपकी हेल्प कर रही है स्ट्रेट लाइन में। ओके यहाँ पर मैं जस्ट एक मिनट तक क्लिक करूँगा, ये देखें, ये मेरे पास एक कार बन गई। एंड गाइज, ये पेन टूल अगर आपकी जान ना छोड़े, जैसे ये मेरी जान नहीं छोड़ रहा, तो मैं क्या करूँगा, स्केप का बटन दबा रहा हूँ, स्केप, ये देखिए लाइन ख़त्म हो गई पेन टूल वाली। अब मैं सिलेक्शन टूल पर गया, सिलेक्शन टूल लिया, एंड मैंने यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए मेरे पास एक कर्व बन गई है। इस तरह आप कर्व वगैरह बना सकते हैं एंड इसे मूव भी करवा सकते हैं। देखिए, मैं इसकी मदद से इसे सिलेक्शन टूल की मदद से ये मूव करवा रहा हूँ। ओके मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। इसी तरीके से गाइज, आपको एक और छोटी सी चीज़ बताता हूँ मैं। आपने यहाँ पर क्लिक किया एंड शिफ्ट की मदद से स्ट्रेट जाना है। मैं यहाँ पर क्लिक करके ये एक और कर्व बना रहा हूँ, ये मैंने कर्व बनाई एंड मैं छोड़ रहा हूँ, ये मैंने माउस को रिलीज़ कर दिया। अच्छा गाइज, मैंने जैसे कि आपको बताया, ऑटोमेटिकली आपकी कर्व बनेगी नीचे भी अगर आप बनाना चाहें, जब बनेगी, जब आपने ये हैंडल नहीं ख़त्म किया। अब गाइज, ये देखिए बन रही है कर्व, लेकिन अगर मैं हैंडल ख़त्म कर रहा हूँ ये वाला, मैं चाहता हूँ ये मेरी लाइन स्ट्रेट जाए, ये मेरी लाइन स्ट्रेट नहीं जा रही, देखें कर्व में टेढ़ी जा रही है। देखें, अगर मैं पेंटूल को नीचे करता हूँ, देखें ये मेरे पर ब्लू लाइन स्ट्रेट नहीं जा रही, कर्व में जा रही है, देखिए कर्व। अच्छा, मैं इस हैंडल को ख़त्म करने के लिए इस एंकर पॉइंट पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें अब ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, आपको नज़र आ रही है स्ट्रेट। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर जाके क्लिक करना चाहूँ तो इस तरीके से मैं क्लिक भी कर सकता हूँ, ऐसे आप शेप बना सकते हैं। ओके अच्छा, अब मैं आपको मज़े की शेप बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले एक मून की शेप बना के दिखाता हूँ, आसान है वो, इजी है। आपने जस्ट यहाँ पर क्लिक किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक किया एंड माउस को रिलीज कर दिया, एंड यहाँ पर आके मैं क्लिक करूँगा अगेन, शिफ्ट की मदद से स्ट्रेट हो जाऊँगा थोड़ा, या आप स्ट्रेट होना चाहें तो स्ट्रेट हो जाए, अगर ना होना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर मैं क्लिक करके जस्ट ड्रैग कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने क्लिक करके जस्ट ड्रैग किया, ये तो ये मैं क्लिक करके जस्ट मैंने क्या किया है गाइज, ड्रैग किया। ओके एंड मैं माउस को रिलीज़ कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, ये मैंने माउस को रिलीज़ कर दिया। इस पेज को मैं सेट कर दूँ 2 मिनट। ओके एंड इस हैंडल को मैंने ख़त्म नहीं किया तो देखिए मेरी कर्व बन रही है, तो मैं इस हैंडल को ख़त्म करना चाहता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये हैंडल ख़त्म हो जाएगा, तो हमारी स्ट्रेट लाइन जाएगी। अब मैं यहाँ पर आके क्लिक नहीं करूँगा, जस्ट मैं यहाँ पर हैंडल लेना चाहता हूँ, तो मैं जस्ट यहाँ पर क्लिक नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करूँगा। ये देखिए, मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो हमारे पास एक हैंडल आ जाएगा। आप सेट कीजिएगा, आप जैसे मर्जी यूँ सेट करना चाहें, मैं चाँद की थोड़ी शेप बनाना चाह रहा हूँ तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ओके, ये मैं अब माउस को रिलीज़ कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, ये देखिए मैंने माउस को छोड़ दिया, सिलेक्शन टूल पर जाऊँगा, सिलेक्शन टूल क्लिक किया, इस तरीके से हमारे पास एक शेप बन गई। ओके इस तरीके से आप बना लीजिएगा, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। अगेन मैं एंकर पॉइंट टूल पर पेन टूल पर गया, सॉरी पेन टूल मैंने लिया। ओके गाइस, अब मैं यहाँ पर एक और शेप बनाना दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैं जस्ट क्लिक कर रहा हूँ गाइस, क्लिक किया मैंने एंड यहाँ पर जाके मैंने क्लिक कर रहा हूँ, ये मैं क्लिक करके गाइस एंड ये देखें, मैं क्लिक करके इस तरीके से कुछ शेप बनाने सिखाऊंगा आपको। देखें, मैंने एक कर्व बना रहा हूँ, यहाँ पर मैंने माउस को अभी तक ड्रैग रिलीज़ नहीं किया, पकड़ा हुआ है, मैं माउस को रिलीज़ कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, मैंने माउस को रिलीज़ कर दिया, ये देखें। ओके अब गाइज, आप देखिए ये मेरी, मैं चाहता हूँ कि मैं नीचे आना चाहता हूँ, लेकिन ये देखिए कर्व में टेढ़ा आ रहा है, कर्व में आ रहा है पेन टूल। ओके तो मैं क्या करूँगा, इस हैंडल को फिनिश करूँगा, इस हैंडल को मैं इस एंकर पॉइंट टूल की मदद पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। ओके अब मैं उसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा, जस्ट क्लिक नहीं कर रहा, मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा, क्लिक करके मैंने ड्रैग किया एंड ये देखिए मैंने शेप बना के मैंने माउस को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, मैं सिलेक्शन टूल पर जाऊंगा एंड ये देखिए ये मैंने एक राइट का निशान बनाया आपके सामने, बनाया तो इस तरह के साथ
मोनोग्राम बना सकते हैं। मैं इसका साइज छोटा कर रहा हूँ। तो गाइज आप को मैं ये बाद में बताऊंगा और चीज़ें। अच्छा गाइज, मैंने आपको ये दो तीन चीज़ शेप्स बनाना सिखाई। आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, जैसे चाहें वैसे शेप बना सकते हैं, किसी की कोई रोक टोक नहीं है। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पर अगर मैं ड्रैग करता हूँ, ये मैंने क्लिक करके मैंने ड्रैग किया एंड मैं माउस को रिलीज़ कर रहा हूँ, छोड़ दिया गाइस। एंड मैं ये देखें, अगर मैं ये यूं करूँगा तो देखिए इस तरह से कुछ शेप बन रही है, ये टेढ़ा जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा गाइस, मैंने इस हैंडल को ख़त्म करना है। इस हैंडल को ख़त्म करेंगे तो आप जो मर्ज़ी शेप बना सकते हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ पर सिर्फ जस्ट स्ट्रेट लाइन बना लूँ। ओके, इस तरह से शेप बना सकता हूँ मैं। एंड ग्रीन लाइन आपकी हेल्प करती है हमेशा स्ट्रेट रहने में, हर तरह से आपकी हेल्प करेगी। ये मैंने जस्ट आपको गाइड करना था, मैंने गाइड कर दिया ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। अच्छा गाइज, अब मैं आपको एक न्यू चीज़ बनाना सिखाऊंगा। इसके पहले मुझे यहाँ पर एक रूलर चाहिए। रूलर क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। गाइज आपने व्यू पर जाना है, मैं व्यू पर क्लिक कर रहा हूँ। व्यू पर मैंने क्लिक किया जस्ट, एंड मैं यहाँ पर, हमारे पास एक ऑप्शन है रूलर्स का, यहाँ पर हमारे पास है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर शो रूलर्स, अगेन हमारे पास एक मजीद ऑप्शन है शो रूलर्स। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक जैसे करूँगा देखें हमारे पास रूलर शो हो गए हैं। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं साइड पर, ये हमारे पास रूलर, इसे हम कहते हैं रूलर। अच्छा इसका काम क्या है, इसका मैं बताता हूँ गाइस। यहाँ से हम लाइन ले सकते हैं, ऊपर से भी ड्रैग करके लाइन नीचे ला सकता हूँ, यहाँ से भी लाइन ड्रैग करके ला सकता हूँ। मैंने यहाँ से लेनी है तो मैं यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ। ये देखिए हमारे पास एक क्लिक करके रखना है आपने एंड ड्रैग करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक लाइन ली, यहाँ पर मैं जाकर अब लाइन को छोड़ रहा हूँ। मैंने माउस को रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया तो हमारे पे एक ग्रीन लाइन आ गई है। इस पर अगर मैं अपने पेन टूल को लेकर जाऊँ तो आपको नज़र आ रहा है ये गाइड लिखा हुआ, गाइड। इससे हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ग्रीन लाइन ये गाइड लाइन की निशानी आपको गाइड करती है। ओके, अच्छा गाइज अब मैं यहाँ पर एक शेप बनाना सिखाऊंगा आपको मज़े की। ओके, एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे बढ़ा रहा हूँ, साइज़ को स्ट्रोक के 2 कर रहा हूँ। ओके, अच्छा गाइज यहाँ पर मैं आपको एक बड़े मज़े की चीज़ बनाना सिखा रहा हूँ। यहाँ पर अब जस्ट मैं क्लिक कर रहा हूँ, इस लाइन पर मैंने क्लिक किया। इस लाइन का काम क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ अगेन, ताकि आपको समझ आ जाए। बना के दिखाऊंगा फिर बताऊंगा। अच्छा गाइज मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर गया एंड मैं यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ। क्लिक करके मैंने जस्ट ड्रैग किया, देखिए मैंने क्लिक करके क्या किया, जस्ट ड्रैग किया एंड इस तरीके से मैं यहाँ पर आ गया। आ ये समझ, अगर मैं इस हैंडल को ख़त्म कर दूंगा तो मेरी लाइन स्ट्रेट हो जाएगी, लेकिन मुझे कर्व में चाहिए लाइन, तो मैं इस हैंडल को ख़त्म नहीं करूँगा। ये देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये हमारे पास एक हाफ शेप बन गई हार्ट की, दिल की। ओके, अच्छा गाइज यहाँ पर मेरी जो पेन टूल की जो लाइन है, यहाँ पर ये ग्रीन ब्लू लाइन, ये ख़त्म नहीं हो रही, तो मैं क्या करूँगा, एस्केप का बटन दबाऊंगा, ये ख़त्म हो जाएगी। अच्छा गाइज यहाँ पर मैं सिलेक्शन टूल लूँगा, सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया एंड यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से गाइज यहाँ पर हमारा हार्ट आपको लगता है थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, तो आप शेप खुद बनाएंगे तो स्ट्रेट भी बना सकते हैं। अगर आप, अगेन बना के दिखाता हूँ, चलो मैं आपको यहाँ पर मैं जस्ट क्लिक करूँगा एंड आपने जस्ट चेक करना है। ये देखें, ये यहाँ पर मैंने क्लिक किया। ओके, अब मैं इस लाइन को ख़त्म करने के लिए एस्केप का बटन दबा रहा हूँ, ये मैंने आपको रिपीट कर दिया। ओके, सिलेक्शन टूल लूँगा, सिलेक्शन टूल की वजह से यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये चीज़ मेरे पास आ गई। ओके, आप इससे भी अच्छा दिल बना सकते हैं। अच्छा गाइज यहाँ पर ग्रीन लाइन के रूलर का क्या बेनिफिट है, हमें ये बेनिफिट है कि हमें स्ट्रेट रखने में मदद करिए। देखें ना, बिल्कुल वर्टिकल हमारा स्ट्रेट है ये दिल। अब मैं यहाँ पर एक और हार्ट का साइज़ बनाना चाहता हूँ, बिल्कुल यही परफेक्ट। तो मैं क्या करूँ, इसका मैं आपको बड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ। जस्ट आपने इसे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करना है, यहाँ पर हमारे पास एक मज़ीद टेबल आ जाएगा। आपने जस्ट ट्रांसफॉर्म में जाना है। ओके, ट्रांसफॉर्म में आपके पास मज़ीद ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो इस तरह से हमारे पास एक टेबल आ जाएगा। ओके, अच्छा टेबल आ जाएगा तो अब हम क्या करेंगे। ओके गाइज यहाँ पर आपने सेलेक्ट करा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी कॉपी बन जाए। सबसे पहले मैं इस प्रीव्यू पर क्लिक करूँगा। जैसे मैंने प्रीव्यू पर क्लिक किया, इसकी शेप लेफ्ट साइड पर होगी। पहले राइट साइड पर शेप थी, अब कहाँ, इसका फेस हो गया, मुंह किस तरफ हो गया, लेफ्ट साइड पर। ओके, अब मैं इसे, इसकी कॉपी बनाना चाहता हूँ, ये चीज़ मैंने यहाँ लानी है। तो क्या करूँगा गाइज, अगर मैं ओके कर देता हूँ तो जस्ट ये रिफ्लेक्ट रहेगा, बट मुझे कॉपी चाहिए तो मैं कॉपी पर क्लिक कर रहा हूँ। मैंने कॉपी पर क्लिक किया, ये देखें डबल शेप्स बन गई हैं।
अब मैं इस वाली शेप पर, क्योंकि ये वाली चीज़ मुझे ये वाला हाफ हार्ट यहाँ पर लाना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके रखना है, ड्रैग करना है। सिलेक्शन टूल आपके पास होना चाहिए, सिलेक्शन टूल की मदद से ये मैंने क्लिक करके ड्रैग किया। ओके, ये मैंने क्लिक करके ड्रैग करके दिखाया आपको इस तरह से। अच्छा गाइड, अब गाइज मैं ये रूलर को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, इस ग्रीन लाइन पर आपने क्लिक करना है, एंड पहले तो मैं हाइड रूलर करना चाहता हूँ। जो हमारे पास रूलर है ये हाइड हो जाएगा। क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पास ये देखें रूलर गायब हो गया। एंड मैं अगेन अगर इस पर क्लिक करता हूँ, अब मैं ये ग्रीन लाइन ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, हाइड गाइड्स पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखिए हमारी ग्रीन लाइन भी फिनिश हो गई है। ओके, आप इससे भी अच्छा हार्ट बना सकते हैं, जस्ट मैंने आपको गाइड करना था। ओके, अच्छा अब मैं यहाँ पर क्या लूँगा, अगर मैं इन जोड़ों को जोड़ना चाहता हूँ, इन दो जोड़ों को, अच्छा गाइस याद रखिए, अगर मैं ग्रुप कर दूंगा इसे, तो ग्रुप का मतलब ये ग्रुप जोड़ों को नहीं जोड़ता है, इन्हें ज्वाइंट नहीं करेगा, वो तो सिर्फ दो शेप्स को इकट्ठा कर देता है। लेकिन ये हमने पॉइंट जोड़ने, ये जो एंकर पॉइंट जो आपको नजर आ रहे हैं दो, इन्हें ज्वाइन करना है। तो कैसे करेंगे, अगर मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इन दो पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, तो देखें गाइस ये हार्ट सारा सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन मुझे तो दो पॉइंट सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर जाऊँगा। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, इसे मैंने क्या किया, सिलेक्ट, ये देखिए अब हमारे पास दो पॉइंट सिलेक्ट हो गए। आपने यहाँ पर इन पॉइंट पर क्लिक करना है, आप ऑप्शन आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर ज्वाइन एंड एवरेज, अगर मैं यहाँ पर ज्वाइन करता हूँ तो क्या होगा, देखें ज्वाइन की मदद से गाइस यहाँ पर एक लाइन बन गया, लेकिन ये दोनों हार्ट इकट्ठे जुड़े नहीं है, लेकिन लाइन की मदद से जुड़े, मुझे इस तरह नहीं जोड़ना, मुझे तो ये देखें अगर यहाँ पर लाइन बन जाए, जैसे ये देखें यहाँ पर लाइन बन गया, मैं क्या करूँगा, अगेन जाऊँगा, पहले आप कंट्रोल जी कर लें, बैक हो जाएगा। ओके, अच्छा मैं अगेन सेलेक्ट कर रहा हूँ इसे, तो मैं क्या करूँगा, एवरेज, पहले मैं एवरेज करूँगा, एवरेज से क्या होगा, देखें एवरेज एंड ये बोथ ओके कर दें इसे, ये देखें एवरेज की मदद से ये पॉइंट आपस में इकट्ठे हो गए हैं। ओके, अभी ये भी ज्वाइंट नहीं हुए, ज्वाइन करने के लिए आपने अगेन क्लिक करना है, एंड अब आपने ज्वाइन का बटन दबाना है, ज्वाइन। अब गाइज ये पॉइंट बिल्कुल, ये ब्लू लाइन आ गई है, ये डॉट आ गया, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट आपस में ज्वाइन हो चुके हैं। इसी तरीके से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा, एंड सबसे पहले मैं एवरेज करना चाहता हूँ, एवरेज किया मैंने, ओके ये एवरेज हो गया। ओके, एंड मैं अगेन सेलेक्ट करके ये दो पॉइंट को ज्वाइन करूंगा, अब ये हमारे पास हर्ट ज्वाइन हो गया। अगर मैं अब सिलेक्शन टूल की मदद से इसे सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें ऑल दिल सेलेक्ट होगा, अगर पहले सेलेक्ट करता तो ये हाफ होता, लेकिन अब ज्वाइन हो गया तो हमारे पास फुल सिलेक्शन हो रही है। ओके, अच्छा गाइज ये मैंने आपको बताया। अच्छा अगर आप चाहते हैं रूलर के बगैर भी अगर बनाना चाहते हैं, तो रूलर के बगैर भी बना सकते हैं, मैं आपको जल्दी से बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, माउस को रिलीज़ कर देना, एंड मैं यहाँ पर अगेन क्लिक कर रहा हूँ, एंड यहाँ पर मैं अगेन क्लिक कर रहा हूँ, ये मैंने एक इस तरह से लाइन बनाई। ओके, एंड यहाँ पर मैं क्लिक करके, यहाँ पर मैं अगेन क्लिक कर रहा हूँ। ओके, ये मैंने क्लिक किया, अब मैं इस लाइन ब्लू लाइन को कट करना चाहता हूँ, स्केप का बटन दबाऊंगा, स्केप, ये ख़त्म हो जाएगी। सिलेक्शन टूल लेना आपने, सिलेक्शन टूल लेने के बाद आपने जैसे इसे सेलेक्ट करना है, एंड उसी तरीके से अरेंज में जाना है, ट्रांसफॉर्म में जाना है, ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद रिफ्लेक्ट में जाना है, रिफ्लेक्ट में जाने के बाद आपने यहाँ पर आपने डबल एक और इस साइड चाहिए, पहले आप प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू होगा तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उस साइड पे शेप हो जाएगी, लेकिन हमें ओके नहीं करना, हमने सिर्फ उस तरफ शेप नहीं करनी, हमें कॉपी चाहिए, तो आपने कॉपी पर क्लिक करना है। मैंने कॉपी पर क्लिक किया, देखिए हमारे पास दो शेप्स बन गई हैं, तो मैं इस वाली शेप पर क्लिक करके यहाँ पर इसे ड्रैग करता हूँ। ओके, इस तरीके से आप ले सकते हैं। अगर अब मैं इन पॉइंट को जोड़ना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, आप मैंने थोड़ा सा और आगे कर देता हूँ। ओके, ये हो गया, अब मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसे सेलेक्ट करता हूँ, ये हाफ सेलेक्ट हो रहा है। ओके, ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था, हाफ सेलेक्ट हो रहा है, तो मुझे तो सिलेक्ट हालांकि जुड़ा हुआ, लेकिन हाफ सेलेक्ट हो रहा है, तो हम ड्रैग सिलेक्शन टूल की मदद से इस पॉइंट को क्या करेंगे, ज्वाइन कर दूंगा। ओके, इसी तरीके से इन दो पॉइंट को भी हम क्या कर देंगे, ज्वाइन, एंड सिलेक्शन टूल की मैं सब मैं क्लिक करूंगा, तो देखिए हाँ सिलेक्ट हो गया। ओके, इस तरीके से आप शेप्स बना सकते हैं, मैंने आपको ये भी शेप्स बना के दिखा दिया, आप इसके अंदर दरमियान में कुछ लिख भी सकते हैं। ओके गाइस, ये था हमारा आज का काम, मैं आपको कलर फिल करना सिखा देता हूँ, कलर कैसे फिल करना है, मैं इसे सिलेक्ट करके, हम सॉरी,
इस चीज़ को मैं यहाँ पर ले आया। ओके, अब मैं इस साइज़ बड़ा करना चाहता हूँ, क्लिक करके शिफ्ट का बटन दबा के आप ड्रैग करेंगे, ये हमारे पास साइज़ बड़ा हो गया। ओके, यहाँ पर साइज़ बड़ा हो गया। मैं इसमें कलर करना चाहता हूँ, तो पहले मैं इसमें कलर करना चाहता हूँ, ये देखिए ये सिलेक्ट नहीं हुआ, जस्ट ये सिलेक्ट किया। ओके, हमने तो मैं इसमें कलर करना चाहता हूँ, तो ये हो जाएगा स्काई। ओके, देखें मैं इसे अब सिलेक्ट करूँगा, अभी मैंने इसे सिलेक्ट किया था, स्काई कलर हो गया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, ये देखें बैक चला गया ना, मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ। ये हमने क्योंकि इसे ग्रुप किया हुआ था, इसे हम अनग्रुप कर देंगे, ग्रुप नहीं है, तो देखें मैं आपको अगेन करके दिखाता हूँ। आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है, स्काई कलर कर लिया, इसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है जल्दी। इस पर क्लिक करने के बाद इसमें मैं वाइट कलर करना चाहता हूँ, वाइट। ओके, इस तरीके से आप कलर कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ इसकी जो ब्लैक लाइन है स्ट्रोकिंग, ये आपको जो ब्लैक लाइन नज़र आ रही है गाइस, ये ब्लैक लाइंस नज़र आ रही हैं, इसे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं स्ट्रोक, मैंने इसे क्लिक करूँगा, ये हमारे पास स्ट्रोक का कलर है, ये फिल का है, ये स्ट्रोक का बटन है, मैं इस पर क्लिक किया एंड मैं यहाँ पर नन कर रहा हूँ। ये देखिए हमारी लाइंस ख़त्म हो गया ब्लैक। पहले मैं इस हर्ट को सेट करता हूँ, ओके, मैं इसे मैं कलर पहले मैं इसे सेलेक्ट किया एंड इसमें मैं फिल में गया, मैं इसमें कलर करना चाहता हूँ ये वाला, ये मैंने क्लिक किया। अच्छा गाइज, मैं इसका कलर सेट करना चाहता हूँ, मुझे ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, क्या करूँगा, इसी पर डबल क्लिक करूँगा, इसे मैं सेट कर सकता हूँ। ये देखिए इस तरह के से आप प्रीव्यू पर पहले क्लिक करना एंड अगेन अब आप सेट करके देखेंगे, जैसे आपको हर्ट सेट लगे, जैसे आपको कलर सेट लगे, वैसे आपने क्लिक करके ओके कर देना जस्ट, तो आपके ऊपर आ जाएगा। अब मैं इसका स्ट्रोक ख़त्म करना चाहता हूँ, ब्लैक लाइंस ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, स्ट्रोक पे गया एंड मैं नन कर रहा हूँ, नन हो गया। ओके, इसी तरीके से ये वाली शेप है हमारे पास, इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ, आप इसमें कलर भर लीजिएगा, आपको मैंने जस्ट गाइड की थे, डिलीट कर दिया इसे मैंने एंड इस शेप को मैं ला रहा हूँ यहाँ पर। ये इसे क्लिक करके ड्रैग बड़ा साइज करना चाहता हूँ, क्लिक करिए एंड शिफ्ट की मदद से हमारे पास ये साइज़ बड़ा हो गया। ओके, ये हमारे पास साइज़ बड़ा हो गया है, मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसे सेलेक्ट करूँगा एंड इसमें कलर भरना चाहता हूँ मैं, एनी थिंग कोई भी कलर भर दें, मैं ये वाला कलर भर देता हूँ एंड आपने प्रीव्यू करना है एंड इसे सेट भी कर सकते हैं इस कलर को। ओके, मैं ओके कर रहा हूँ, ये मैंने इसे ओके कर दिया। ओके, एंड मैं इसकी ब्लैक लाइंस को ख़त्म करना चाहता हूँ, जिसे स्ट्रोक कहते हैं, ये आपने नाना कर देना, ये नन कर दिया, तो ये हमारे पास का स्ट्रोक फिनिश हो गया। ओके, इस तरीके से आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं जैसे आप चाहें एंड जब गाइस इसे मैं थोड़ा सा सेट करना चाहता हूँ, ऊपर करना चाहता हूँ, इस तरीके से आप इसे सेट भी कर सकते हैं। ओके, अच्छा गाइस, ये था आज का हमारा काम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया जाएगा एंड नेक्स्ट आने वीडियो वीडियो को, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो फौरी मिल जाए। इसके लिए आपको मेरे चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। ओके, बाय।